हीरा साहब विवाह है, विधवा है, वो घमंड में कौन रहता है? जिसके पास शौहर रहता है, जिसके पास पैसा रहता है, लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए लोगों को। जो एक विधवा को, एक विवाह औरत को इस तरह का अपमानित करने का बात करते हैं, वो घमंड में है ना साहब। कहे कि शाहबुद्दीन का कहीं ना कहीं गरीबों पर अत्याचार नहीं है, उनसे उपकार है। हीना साहब, हीना साहब अगर एक इशारा कर देना तो पूरा सिवान एक जगह खड़ा हो जाएगा। सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हीना साहब जो है वो नामांकन की, और उसके बाद क्या है माहौल सिवान का, आइए हम जानेंगे लोगों से कि आखिर सिवान से हीना साहब क्या शाहबुद्दीन साहब का जो है विरासत बचा पाएगी इस बार, क्योंकि तीन बार से जो है वो हार रही है लगातार। तो आइए बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है सिवान से हीना साहब जीत पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार परिवर्तन है, लहर है, और इस ये तो मौका मिला है मुसलमानों को, मुसलमानों को एक तरफ वोट देने का और एक तरफ विजय बनाने का हीना साहब को मौका मिला है। क्या कि वही लालू परिवार है, वही RJD ऑफिस है जहां उसामा का और हीना साहब का पोस्टर और बैनर लगा हुआ था। ना जाने लालू परिवार को रात में क्या होता है, बैनर कबाड़ के फेंक दिए उसका। ठीक है, जब तक शाहबुद्दीन साहब जिंदा थे तब तक लालू जी की सरकार बिहार में बरकरार थी, इस बात को आप गौर कीजिए। चाहे लालू जी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हों या उनके बाद उनके जेल जाने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हों, जब तक शाहबुद्दीन साहब थे तब तक उनकी सरकार थी। शाहबुद्दीन साहब के जाने के बाद इनकी सरकार डगमगा गई बिहार में। ठीक है, और इस बार तो मौका दे दिए मुसलमानों को, वो पोस्टर और बैनर कबाड़ के तो मौका दे दिए हैं हीना साहब को एक तरफा विजय बनाने का। अब वहाँ की जनता इस बार चार ही है, वहाँ का लोगों का प्यार उनके साथ है, हीना साहब के साथ। अभी इसको गौर कीजिए, क्या लग रहा है पूर्णिया की तरह जिस प्रकार से पप्पू यादव का माहौल था उसी प्रकार से हीना साहब का ही माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल है, आप उनके रैली को देख लीजिए, नॉमिनेशन के रैली को देख लीजिए कि कोई तामझाम नहीं, कोई हल्ला हंगामा नहीं, सादा सादगी से उन्होंने नॉमिनेशन किया, 10 से 15 आदमी को ले आके और सादगी से अपना प्रचार करेंगे, कोई हल्ला हंगामा नहीं, कोई होगा भाई, ताकि वो जानते हैं, वो जो वहाँ की जनता भी जानती है और हीना साहब भी जानते हैं कि हमको जीतना तय है, इसलिए कोई हल्ला हंगामा नहीं। जो हार रहे हैं वो हुड़दंग कर रहे हैं, खूब हुड़दंग कर रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, तो ताशा लगा रहे हैं, तो नाच कर रहे हैं, नचनिया को बुला रहे हैं। हीना साहब ऐसा नहीं कर रही हैं, ठीक है, कोई साउंड नहीं, कोई गाना नहीं, कोई नहीं, एकदम सादगी से एकदम। तो क्या केवल मुसलमानों के वोट से हीना साहब जीत जाएंगे? मुसलमान नहीं, वहाँ पर सारे तमाम लोग, सब कास्ट के वहाँ पर लोग हैं, मुसलमान से ज़्यादा हिंदू और नीचे गरीब के जो भी दलित से लोग हैं वो उनको ज़्यादा चाह रहे हैं। कहे कि शाहबुद्दीन का कहीं ना कहीं गरीबों पर अत्याचार नहीं है, उनसे उपकार है उनका, उस पर एहसान है उनका। आप क्षेत्र में जाके देख लीजिए, सिवान में उठा के देख लीजिए कि शाहबुद्दीन साहब जो थे वो किसी गरीब को नहीं बर्बाद किए हैं, वो बसाने का काम किए हैं, उन्होंने स्कूल बनाने का काम किया है, एक सांसद होकर स्कूल बनाने का काम किया है। यहाँ तो मुख्यमंत्री स्कूल नहीं बनाते हैं भाई, यहाँ तो मुख्यमंत्री हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं, वो सांसद होकर इतना बड़ा बड़ा काम कर गए हैं कि वहाँ के दिल में बस गए हैं। पूरा परिवार शाहबुद्दीन का परिवार वहाँ के जनता के दिल में बसा हुआ है। इतना ही था तो टिकट क्यों नहीं दी RJD? बता तो दिए हैं कि हमारे लालू परिवार को क्या पता क्या दिक्कत है मुस्लिम से, मुस्लिम दो ही चीज़ के लिए पैदा हुआ है क्या, सिर्फ दरी बिछाने के लिए और झंडा धोने के लिए पैदा हुआ क्या? 2025 में ये जनता उनको दिखाएगी जवाब, ये बताएगी उनको। ठीक है, वही बोलने वाले हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागदारी। आज क्या हो गया लालू जी को भाई, मुसलमान का परसेंटेज 18% आप दिखा दिए जाति जनगणना में, सीट के को दिए भाई है काहे है, और बोलते हैं यादव का 14%, आज बोलते हैं कि यादव 14% नहीं, यादव जात नहीं, धर्म है, हिंदू धर्म है। तो कहे हिंदू धर्म में जब था यादव जब था तो दलित को, भूमिहार को और राजपूत को नीचे काहे दिखाएं, आप नीचे काहे दिखाएं, 14% यादव को काहे दिखाएं, मतलब सारा चीज़ आप ही लीजिएगा, सारा क्रेडिट आप ही। तो इस बार जनता जाग चुकी है, जनता को जगाने का काम उन्होंने किया। लेकिन RJD की नेत्री है नसीमा जमाल जी, वो कह रही है कि जमानत जब्त हो जाएगा इस बार, हीना साहब तीन बार आ रही, चौथा बार तो जमानत जब्त हो जाएगा। उनका अपना सोच है, अपना व्यक्तिगत है, ठीक है, उनका अपना विचारधारा है, लेकिन हमारा जो विचारधारा, जो हमारा सोच है, मुसलमानों को यूज़ किया गया, चाहे वो RJD हो चाहे JDU हो, मुसलमानों को यूज़ किया गया, अब मुसलमान यूज़ होने वाला नहीं है। वो जान लिए थे, वो मान लिए थे कि मुसलमान सिर्फ झंडा ढोने के लिए और दरी बिछाने के लिए, लेकिन ये वो बता देगा इस बार चुनाव में, लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में बताएगा, मुसलमान बिहार के मुसलमान बताएगा कि क्या हो सकता है, क्या परिवर्तन कर सकता है वो, ये बिहार का मुसलमान बताएगा, एकदम तय है एकदम। बोल रहे थे कि हीना साहब जो है घमंड में चूर थी, इसी के लिए जो है टिकट नहीं। क्या घमंड में चूर रहेगी भाई, एक बेवा औरत क्या घमंड में चूर रहेगी, जिसका पति जिसका सुहाग उखड़ गया है वो क्या घमंड में रहेगी भाई, क्या अंधकार में जी रहे हैं लोग, क्या टिप्पणी करते हैं बताइए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए लोगों को।
जो एक विधवा को, एक बेवा औरत को इस तरह का अपमानित करने का बात करते हैं, वो घमंड में है हिना साहब। हिना साहब बेवा हैं, विधवा हैं, वो घमंड में कौन रहता है? जिसके पास शौहर रहता है, जिसके पास पैसा रहता है, जिसके पास ये रहता है। रोने के बाद कुछ ने बोला है? नसीमा जमाल आरजेडी की नेत्री है। अच्छा, क्या बोले है? आपको पता है कि हिना साहब के लिए आरजेडी टिकट बहुत दिन रोक के रखी थी, पता है? क्यों नहीं दी? अब हिना साहब की व्यक्तिगत अपनी राय है कि हम निर्दलीय लड़े। आप हिना साहब के इंटरव्यू देखे, हिना साहब ने बिल्कुल बोले कि हमें लालू जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, लालू जी हमें टिकट दे रहे थे, लेकिन मेरा सोच है यहाँ के जनता, वहाँ पर देखिए जब किसी पार्टी का सिंबल मिलता है ना तो आप एक पार्टी का हो जाते हैं, और जब आप निर्दलीय लड़ते हैं ना तो आप किसी पार्टी का नहीं होते, सबके होते हैं। तो हिना साहब सिवान में मोहम्मद साहबुद्दीन जी ऐसे नेता है जो सबके है, कि या सिर्फ यादव या मुसलमान का नहीं है, वो हर किसी के लिए है। क्योंकि जो जिसमें वो हॉस्पिटल में 2 रुपये का जो फ्री करवाए थे, वो किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक आदमी के लिए नहीं करवाए थे। सिवान में जितने भी व्यक्ति है सबके लिए हॉस्पिटल वो सस्ता करवाए थे। तो इसीलिए हिना साहब की सोच है निर्दलीय लड़ने की। और इस प्रकार से टिप्पणी करना आरजेडी के नेता, सुनिए, राजनीतिक है, कुछ भी टिप्पणी होते रहता है, इस समय चुनाव के टाइम में छोटा मोटा टिप्पणी होते रहता है। हिना साहब को, हिना साहब बोले कि हमको लालू से प्रॉब्लम है, लालू बोले कि हमको हिना साहब से प्रॉब्लम है, ये आजू बाजू बोलने वाला तो बोलता है। प्रॉब्लम ही नहीं है तो बैनर क्यों हटवा दिया जाता है? कहाँ पोस्टर बैनर हटा दिया गया ऑफिस के सामने? अरे तो भाई, तो वो निर्दलीय लड़ रही है, तो जहाँ जैसा तहाँ तैसा। इलेक्शन से पहले पूरा नॉलेज नहीं, कब बोली हिना साहब? अच्छा आप वीडियो बताइए, कब बोली हिना साहब की हमको लालू जी टिकट दे रहे थे? हैं, कब बोली है लालू जी? अरे एक हफ्ता पहले बिहार तक न्यूज पे बोले थे। सुनी सुनाई बात है, बिहार तक न्यूज पे लाइव सुनी सुनाई बात है। सुनी सुनाई बात नहीं, आप बिहार तक न्यूज सुन लीजिए इंटरव्यू, उसमें मीना साहब के ले ली थी, इन्हें बोली थी लालू जी सिवान से जीत रही है कि टिकट दे रहे थे, नहीं बोली सिवान से जीत रही है कि नहीं। अब सिवान की जनता चाहे कि मोहम्मद साहबुद्दीन जो काम किए थे, तो सिवान की जनता, आप देखिए हम सिवान से तो बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, हम जो सुने वही बताएंगे, बाकी सिवान की जनता वहाँ पर वोट दे ही रही है, आप देखते हैं रिजल्ट जो आएगा। हाँ बोलिए। हिना साहब को आरजेडी कन्फर्म टिकट देना चाहिए, जीते ये हारने की बात नहीं है। वहाँ पे नॉमिनेशन में ऐसे ऐसे भाई मिले, ब्राह्मण भाई मिले, राजपूत भाई मिले, जो कह रहे थे कि हिना साहब अगर जीतेगी तो बीजेपी में जाएगी। नहीं, एक कहना गलत है, हिना साहब, अरे भैया देखिए वीडियो में छोड़िए, नॉमिनेशन में लोग छोड़िए, साहबुद्दीन जी कहा लगी है बीजेपी में, जब जिंदा था बीजेपी में गए, कभी नहीं गए। आरजेडी में क्यों झोला टांगते रहेगी साहबुद्दीन जी, क्यों रह गए? ये जानते थे कि हमको उधर इज्जत नहीं मिलेगा बीजेपी में, इज्जत मिलेगा मेरा आरजेडी में, आरजेडी में सब दिन रह गए। लेकिन जब जो मर्डर मर गए साहबुद्दीन जी, तो उनका पत्नी को आरजेडी टिकट काट दिया, क्योंकि नहीं इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए टिकट दिया आरजेडी। देखिए हमारे तेजस्वी यादव को क्या पता क्या हो गया है ना, कि जहाँ पर देखते हैं जिसके भी कि रैली में ज़्यादा लोग उमर के आ रहे हैं, लोग प्यारे, तो उनको लगता है कि हमसे आगे बढ़ रहा है। उसामा का रैली, उसामा का जो अरेस्ट हुआ था, उसामा किसी न किसी विवाद में, उसमें लोग उबर गए थे, उनको लगा खटक रहा है। पप्पू यादव डर है, पप्पू यादव के रैली में इतने लोग उबर गए, उनको डर लग रहा है। काहे भाई, दूसरा कोई बिहार का लाग नहीं है, बिहार में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, सब कोई आगे बढ़ना चाहता है। इसी के लिए हिना साहब जो है 15-20 लोगों को ले जाके नॉमिनेशन करा। बिल्कुल बिल्कुल जी को फिर डर हो जाए। नहीं डर नहीं, तेजस्वी जो जले नहीं कि मेरे रैली में 1,00,000 आदमी चला गया। हिना साहब अगर एक इशारा कर देना तो पूरा सिवान एक जगह खड़ा हो जाएगा, पूरा सिवान एक जगह खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसका 10 से 15 आदमी लेकर नॉमिनेशन किया, एकदम सादगी में, ना कोई ढोल ना कोई बाजा ना कुछ नहीं, एकदम सादगी में नॉमिनेशन किया। इसका मतलब है कि वहाँ की जनता उनको चाह रही है, ये पहले विरासत बचा पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, सिवान का अगला सांसद कौन होगा और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।